So hello friends, welcome to Global Online University channel and please like and subscribe the channel. तो आज हम शुरू करते हैं friends normal spinal and inverse spinal. तो normal spinal और inverse spinal को हम basically किसे denote करते हैं friends? AB X 4 से denote करते हैं. Okay friends. तो basically यहाँ पर A क्या होता है? यहाँ पर A होता है friends divalent cation होता है. Okay friends. ए हो गया आपका डाइवेलेंट कैटायन होता है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, और आपका बी क्या होता है फ्रेंड्स? बी होता है एक ट्राइवेलेंट कैटायन होता है. बी होता है आपका ट्राइवेलेंट कैटायन. ओके फ्रेंड्स, ट्राइवेलेंट कैटायन. और आपका X जो हो गया वो कोई भी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, जैसे सल्फर हो गया आपका, सेलेनियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो हम इन जनरल इसको डिनोट करते हैं ए बी फ्रेंड्स ए बी टू ओ फोर से हम डिनोट करते हैं. ए यहाँ पर डाइवेलेंट कैटायन हो गया, बी ट्राइवेलेंट कैटायन हो गया और आपका ओ ऑक्सीजन हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि हम ऐसे मतलब स्ट्रक्चर देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल होगा और कौन सा इनवर्स हो गया. तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका अगर मैं ये बात करूं, अगर आपका ट्राइवेलेंट कैटायन, ओके फ्रेंड्स, अगर ट्राइवेलेंट कैटायन आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कंज्यूम कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, अगर आपका ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है तो ये होगा फ्रेंड्स नॉर्मल स्पाइनल. ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पाइनल. और अगर आपका डाइवेलेंट कैटायन टेट्राहेड्रल में, अगर आपका डाइवेलेंट कैटायन ओके फ्रेंड्स, अगर आपका डाइवेलेंट कैटायन टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंज्यूम कर रहा है, तो भी वो नॉर्मल स्पाइनल होगा. ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पाइनल. और अगर आपका इसका इनवर्स है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपका इसका इनवर्स है, जैसे सच है, जैसे हम लिख सकते हैं अगर आपका ट्राइवेलेंट कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंज्यूम कर रहा है, ओके फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंज्यूम कर रहा है तो वो इनवर्स होगा, इनवर्स स्पाइनल होगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया कि अगर हमें स्ट्रक्चर देख के कंज्यूम, हमें स्ट्रक्चर देख के बताना है कि कौन कौन सा. अब अगर फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है कि कौन सा नॉर्मल होगा और आपका कौन सा इनवर्स स्पाइनल होगा, तब ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स. तो इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है कि अगर अब इसके लिए हमें सीएफएससी कैलकुलेट करनी होती है. अगर हमारा ट्राइवेलेंट कैटायन की सीएफएससी, इफ ट्राइवेलेंट कैटायन की सीएफएससी फ्रेंड्स, सीएफएससी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ओके फ्रेंड्स, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इज ग्रेटर देन कैटायन, मतलब डाइवेलेंट कैटायन की सीएफएससी से ज्यादा है, ओके फ्रेंड्स, अब आपका नॉर्मल स्पाइनल होगा, नॉर्मल स्पाइनल. ओके फ्रेंड्स, अगर आपके ट्राइवेलेंट कैटायन की सीएफएससी नॉक्टाहेड्रल वॉइड्स में इज ग्रेटर देन डाइवेलेंट कैटायन की सीएफएससी से ज्यादा हो तो नॉर्मल स्पाइनल होगा. और अगर इनवर्स है, इफ द सीएफएससी ऑफ सीएफएससी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन इज ग्रेटर देन सीएफएससी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो फ्रेंड्स आपका ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनवर्स स्पाइनल. ओके फ्रेंड्स, इनवर्स स्पाइनल. तो फ्रेंड्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दिया है, अगर उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नॉर्मल स्पाइनल और कौन सा इनवर्स, तो हम ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए अगर मैं आपको ट्रिक बताना चाहूं, तो इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स जो आपके काफी काम आ सकती है. देखिए फ्रेंड्स, ये एक बोर्ड है, बी ओ ए टी. बी का मतलब हो गया हमारा ट्राइवेलेंट कैटायन है, ओके फ्रेंड्स, और ए का मतलब हो गया डाइवेलेंट कैटायन है. अगर फ्रेंड्स ट्राइवेलेंट कैटायन की अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में उसकी सीएफएससी ज्यादा आ रही है, तो अगर ये केस है तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा. ओके फ्रेंड्स,
एज सिमिलर अगर वो डाइवेलेंट कैटायन है और उसकी सीएफएससी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ज्यादा आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। और जस्ट इसके रिवर्स, इनवर्स स्पाइनल इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने, हमें पता लग गया कि नॉर्मल स्पाइनल कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स आपके, फॉर योर कन्वीनियंस। तो फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Fe3O4 का मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो Fe3O4 का अगर मैं इसको Ab2O4 के फॉर्म में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा फ्रेंड्स, Fe+2 हो गया फ्रेंड्स, Fe2C+ हो गया और O4 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, Fe2+ इसका मतलब ये D6 कॉम्प्लेक्स हो गया और Fe3+ D5 हो गया। और हम ये जानते हैं कि D5 कॉम्प्लेक्स के CFSC 0 होती है, ऑक्टाहेड्रल में भी टेट्राहेड्रल में, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। अब D6 में अगर हम निकालना चाहें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में अगर निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, T2G4 हो जाना है और ईजी फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी CFSC कैलकुलेट करता हूं तो 4 × 16, 4 × 6 = 12, तो आपका ये हो जाएगा 0.4 डेलो आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब यहां पर क्या पता लग गया कि CFSC ऑफ, तो यहां पर फ्रेंड्स ये हो गया CFSC ऑफ डाइवेलेंट, मतलब Fe2+ इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में ग्रेटर देन हो गई फ्रेंड्स Fe3+ की। अगर ये कंडीशन मैंने आपको अगर मैंने बताई है तो ये इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इनवर्स स्पाइनल का एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन नेट में आया, दूसरा भी क्वेश्चन नेट में आया। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब द नंबर ऑफ मैग्नीज आयन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स रेस्पेक्टिवली इन Mn3O4, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ मैग्नीज आयन बताना है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइड्स में रेस्पेक्टिवली इन Mn3O4। ओके फ्रेंड्स, तो Mn3O4 में हमें ये बताना है कि कौन कौन से इसमें कितने ऑक्टाहेड्रल साइड्स होंगे और कितना टेट्राहेड्रल। तो इसको बनाने के लिए हम इसके फॉर्म में लिखते हैं इसको, Mn × Mn, ये +2 हो गया फ्रेंड्स, ये +3 हो गया, × 2 O4। ओके फ्रेंड्स, तो Mn+2 हो गया, इसका मतलब ये D5 हो गया, तो इसकी तो CFSC 0 हो ही जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब Mn3+ की बात करते हैं, मतलब ये हो गया आपका D4 कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, D4 कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया आपका फ्रेंड्स T2G1 हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और ईजी भी 1 हो गया, तो T2G यानी 4 × 12 −6 −0.6 डेलो हो गया। ओके फ्रेंड्स, −0.6 डेलो हो गया, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बोट वाला एग्जांपल लगाता हूँ BOAT, तो ये +3 में होता है, ये +2 में होता है, तो इसका मतलब +3 वाले की CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा आ रही है। तो अगर ये क्वेश्चन पुटअप हो, अगर ये कंडीशन हमारी बन रही है, तो ये नॉर्मल स्पाइनल हो गया फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पाइनल हो गया। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था नॉर्मल स्पाइनल में जो A+2 है ना, डाइवेलेंट कैटायन, वो क्या क्या कंज्यूम करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके फ्रेंड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंज्यूम करता है और ट्राइवेलेंट कैटायन क्या कंज्यूम कर, क्या मतलब फिल करता है आपका, ऑक्टाहेड्रल साइड्स में आना पसंद करता है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से 1 Mn2+ हो गया, 1 Mn मतलब डाइवेलेंट कैटायन किसमें होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा, और 2 Mn3+, ये जो 2 Mn3+ होंगे ना फ्रेंड्स, ये आपके किसमें होंगे, ऑक्टाहेड्रल साइड्स में होंगे। तो इसका कौन सा एग्जाम, कौन सा आंसर फॉर सही हो गया, तो ए एग्जाम तो सही हो गया। ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सही हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर बताना है ऑफ CO3O4, मतलब CO3O4 में हमें करेक्ट स्पाइनल का स्ट्रक्चर बताना है कि क्या उसका रीअरेंजमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात, अगर हमें हमें ये चीज पता लग जाए कि ये नॉर्मल है या इनवर्स है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हाउ वी कैलकुलेट की इज इट नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, तो हम CO3O4 को लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो CO3O4 को CO+2 में होगा एंड CO
थ्री प्लस में होगा, ये टू हो गया और ये ओ फोर हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ए बी टू ओ फोर हो गया फ्रेंड्स। तो अब मैं अलग अलग सी एफ एस सी कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसकी सी एफ एस सी ज्यादा आएगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग तो मैं बता लूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर मैं प्लस टू भी निकालता हूँ फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टी सेवन हो जाएगा। टी सेवन का मतलब हो गया आपका एक दो तीन, एक एक दो तीन चार पांच छह सात, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, टी टू जी में कितना हो गए, दो तीन चार पांच, तो टी टू जी फाइव हो गया और ई जी टू हो गया। तो अगर मैं इसकी सी एफ एस सी कैलकुलेट करता हूँ, सी एफ एस सी इन ऑक्टाहेड्रल में, तो फ्रेंड्स कितनी आएगी इसकी, पांच बीस हो गया और छह दूनी बारह हो गया, तो बारह मतलब जीरो पॉइंट एट डेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लस टू की मैंने सी एफ एस सी कैलकुलेट करी, अगर मैं प्लस थ्री की कैलकुलेट करता हूँ तो डी सिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, हाई स्पिन में ही रहेगा। डी सिक्स का मतलब हो गया आपका टी टू जी और ई जी हो गया फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, टी टू जी फोर हो जाएगा, ई जी टू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी सी एफ एस सी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, तो आपका चार चौक सोलह हो गया, छह दुनी बारह हो गया, तो माइनस जीरो पॉइंट फोर, एक मिनट फ्रेंड्स, चार दुनी सोलह हो जाएगा, प्लस थ्री में हो गया। ओके फ्रेंड्स, चार चौक सोलह और चार चौक सोलह और छह दुनी बारह, माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, तो प्लस थ्री में ना कोबाल्ट अगर प्लस थ्री में हो तो केवल वो हेलोजन के साथ ही वीक फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू जी सिक्स हो जाएगा, तो छह चौक चौबीस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो माइनस जीरो पॉइंट माइनस टू पॉइंट फोर डेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ रही है, सी एफ एस सी हमारी आ गई, सी एफ एस सी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन इज ग्रेटर देन सी एफ एस सी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पाइनल हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, बस हमें ये ध्यान रखना है, अगर कोबाल्ट प्लस थ्री में है तो वो केवल उसके साथ हेलोजन ही वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पर सी एफ एस सी ज्यादा आ रही है। तो अगर ट्राइवेलेंट कैटायन की सी एफ एस सी नॉक्टाहेड्रल वॉइड्स में ज्यादा आती है तो वो नॉर्मल स्पाइनल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मल स्पाइनल हो गया, इसका मतलब जो डाइवेलेंट कैटायन आपका एग्जिस्ट करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और ट्राइवेलेंट कैटायन वो किसमें एग्जिस्ट करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो वो जो पहला ही ऑप्शन उसका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डाइवेलेंट कैटायन एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपका ट्राइवेलेंट कैटायन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स।